हज़रते मुस्तफ़ा, ये था उनका। और जाहिर है कि सुनवान को सुनने के बाद जहन भी आपका बन गया होगा कि हमें क्या सुनना। और फिर कहीं जाकर के आप ये ना सोचने लगे कि ये जलसे सीरते मुस्तफ़ा था या जलसे सीरते इमाम अहमद रज़ा। हमको बुलाया किसी और नाम से और सुनाया सब बातें सच्ची, मगर ऐलान से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हम तो हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, मगर अपने अपने मौके से। ये आप जहन में लेके जा सकते हैं, सोच सकते हैं, आपस में सरगोशियां हो सकती हैं। मगर मैं अपना तासुर पेश करूं कि अज अव्वल ता आखिर मैंने तो सिर्फ सीरत मुस्तफ़ा ही सुनी। जब ये कानून कुदरत बन चुका है अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, वरफ़ाना लका ज़िक्रक के बात है कि इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर ता मई, ऐ महबूब तेरे जिक्र की रिफत ये है कि जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। लिहाजा वो खुदा का जिक्र ही नहीं जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, और जिक्र मुस्तफ़ा ही आयने जिक्र खुदा। तो बंदा जब इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए कि उसका जिक्र खुदा का जिक्र बन जाए, उसकी इताअत खुदा की इताअत बन जाए, उसकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत बन जाए, उसकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी, ये सब इश्क ही के तो जलवे हैं, ये सब ताल्लुक ही के जलवे हैं। तो जब बंदे को अपने खुदा से इतना ताल्लुक हो कि बंदे का जिक्र ही खुदा का जिक्र हो जाए, तो अगर किसी उम्मती को अपने नबी से इतना ताल्लुक हो, इतना ताल्लुक कि हम जिक्र करें अहमद रजा का, जहन जाए मुस्तफा की तरफ। अरे गुलाम की तारीफ करोगे तो ये आका की बड़ाई नहीं, तो और क्या है। हम गुलाम ही को नहीं समझ सके तो आका को क्या समझा। तो अब तक जो कुछ हो रहा था ये जिक्र मुस्तफ़ा ही हुआ। अरे भाई, किसी का जिक्र करना है तो उसके ज़ात और सिफात का बयान करो, ये भी उसका जिक्र। उसके दोस्तों का जिक्र करो, ये भी उसका जिक्र। और उसके दुश्मनों की भी पहचान कराओ, ये भी उसी का जिक्र। तो आपने देखा, उलमा फरमाते हैं बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक जो कुछ है वो सब नाते मुस्तफ़ा, वो सब कुछ नाते मुस्तफ़ा। उसमें रसूल के दोस्तों का जिक्र, दुश्मनों का जिक्र, खुद रसूल के ज़ात व सिफ़ात, रसूल के दीन का जिक्र, वो सब कुछ जिक्र मुस्तफ़ा। और राज क्या है
एक शेर कह के फिर मैं अपने मौजू की तरफ आ जाऊं। वाह। उन पे अकलो होश खोने का सिला मिल ही गया। उन पे अकलो होश खोने का सिला मिल ही गया, मेरा अफसाना सरापा उनका अफसाना बना। तो मैंने ये तंबीह ये कर दी है कि ये मत समझिएगा बात मौजू के बाहर हो गई थी। वक्त तो बहुत काफी गुजर चुका है, मेरे ख्याल में काम की सारी बातें आप सुन चुके हैं। अब मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल कर लिया है, उसके ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करके सिलसिले कलाम को मैं पता कर दूंगा। वहुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां जहां तुम रहो। वल्लाहु बसीरुन बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है, देखने वाला है। इस बात को कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया है जगह जगह कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे करीब है। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए महबूब जब मेरा बंदा तुमसे मेरे बारे में पूछे तेरी बारगाह में आके मेरा पता पूछे, तो तुम इरशाद फरमा दो खुदा कह रहा इन्नी करीब, मैं करीब। यहां से हमको एक इशारा मिला कि महबूब का पता पूछा कहां जाए, हर जगह जाके पता मत लगाना, कहीं से हिदायत नहीं मिलेगी। जहां जाओगे ठोकर खाते रहोगे। खुदा का तसव्वुर रखने वाले खुदा का पता लगाते ही रहे, कभी पत्थरों से पता लगाने की कोशिश की, कभी दरियाओं के पास गए, कभी आतशकदे के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए, कभी चांद सूरज को सहारा बनाना चाहा, मजाहिरे कुदरत को राजी कर करके अपने ख्याल से उनकी परस्तिश करके खुदा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, किसी ने पता नहीं बताया। चांद खामोश रहा, सूरज कुछ नहीं बोला किधर आ रहे हो, दरिया ने कोई एतराज नहीं किया, पत्थर भी खामोश रहे। जहां जहां इंसान गया ठोकर खाता रहा, और एक खुदा की तलाश में बेशुमार खुदाओं का वजूद हो गया, एक सच्चे माबूद को ना पा सके, बेशुमार माबूदों के पीछे चले गए। मगर जब यही कौम रसूल के बारगाह में आई और जब यहां से पता पूछना रहा, यहां से जब उसे पता लेना हुआ, तो सरकार ने कहा अब तुम सही मुकाम पर आ गए, अब तुम सही मुकाम पर आ गए, खुदा करीब है, अब तुम वहां आए जहां खुदा करीब है।
क्या समझा, मुस्तफा के जो करीब होगा वही खुदा के करीब है। खुदा यहाँ करीब है तो जो मुस्तफा का करीब होगा वो खुदा का करीब होगा। इसीलिए खुदा ने इंतजाम किया है कि जिसको अपने से करीब नहीं करना चाहता वो मुस्तफा से उसे दूर कर देता है, और जिसे अपने के करीब करना चाहता है उसे मुस्तफा के करीब कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम। मतलब वैसे तो बरगे दरख्ता ने सब दर नजरे होशियार, हर वरके दफ्तरेश मारफते किरदिगार। अगर खुदा को पहचानना चाहो तो दरख्त का पत्ता पत्ता, रेगिस्तान का जर्रा जर्रा, दरिया का कतरा कतरा मार्फत का दफ्तर है। हर एक से तुम समझ सकते हो, मगर सुनो, सब मार्फत के दफ्तर तो हैं, मगर समझना किसको? समझना तो आप ही को है ना, समझना आप ही को है। तो जितना दिमाग जितनी अकल उतनी ही तो समझोगे ना। सूरज भी खुदा के वजूद की दलील है, मगर सूरज नहीं बोलेगा, समझना तुम्ही को। चांद कुछ नहीं कहेगा कि मैं क्या हूं, समझना तुम्ही को। सभी देख रहे हैं, सब अपनी अकल के मुताबिक समझ रहे हैं, मगर एक ऐसी दलील है वहां जाओगे तो वो खामोश नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग हो या ना हो, वहां पहुंच गए तो समझ गए। वो समझाने की जिम्मेदारी उनकी है, वो समझा देंगे। जैसी अभी अकल लेके जाओगे तो समझा देंगे। ये जरूरी नहीं है कि वहां समझने के लिए कोई सिद्दीक अकबर फारूक आजम हो तो जाके समझेगा, वहां समझने के लिए कोई सुहैब रूमी हो क्यों समझेगा? नहीं, अगर कोई हबशी है यहाँ आएगा तो समझ लेगा, रूमी है तो यहाँ आएगा तो समझ लेगा, जाहिल है तो यहाँ आएगा समझ लेगा। तो ये वो दलील है, इसीलिए इन्हें सिर्फ दलील नहीं कहा गया, इन्हें बुरहान कहा गया। दलील वो है जिसे तुम समझो, बुरहान वो है जो तुम्हें खुद समझा दे। इसी बात को दूसरे अंदाज से भी फा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, रगे जान से ज्यादा करीब। नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, ये मुर्दा जो है बनिस्बत तुम्हारे मैं इससे ज्यादा करीब हूं, तुम्हें इसकी समझ नहीं। वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, अरे मैं तो तुम्हारी जानों में हूं, देखते नहीं? इतना करीब, मगर हमारे लिए मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हम मकान मकानियत वाले, जमाना जमानियात वाले, मकान मकानियात वाले, मादा मादियात वाले, हम मादी वो गैर मादी, हम मकानी वो मकान से पार, हम जमानी वो जमाना जमानियात से पार, हम महदूद वो लामहदूद। तो लामहदूद महदूद के करीब कैसे हो? मकान व जमान से जो वराउल वरा हो वो मकान वालों समान वालों के करीब कैसे हो? तो दोस्तों, यहां जो कुर्बत है वो जाती कुर्बत मुराद नहीं है। ज्यादा मैं ज्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता, जल्दी से अपने मफहूम को जाहिर कर देना चाहता हूं। यहां सिफात की कुर्बत, सिफात की कुर्बत, बहैसियत इल्म करीब, कुदरत करीब, हुकूमत करीब। गुर्बत की कई शक्लें होती हैं,
रक्त बारों को ताला का एक होता है आम कुर्बत, कह लीजिए आम मैयत, मैयत आम जो सारी मखलूक के साथ, और एक मैयत खास कुर्ब खास। तो मैयत खास मोमिन के साथ अलग और काफिर के साथ अलग। तो जहां तक वो सारी मखलूक के साथ करीब है, इल्म व कुदरत, शान रुबूबियत, रज़ाकियत, सबको रिस्क देता है, सत्ती तरबियत फरमा रहा, सत्ती परवरिश कर रहा, इसमें काफिर मोमिन की कोई तख़सीस नहीं। जिसको जिसको पैदा किया उसको रिस्क दे रहा, उससे आगाह है। तो ये तो आम कुर्बत हुई, मगर फजलो करम, बख्शिशो इनायत, मगफिरत खासा, इससे सिर्फ ईमान वालों के साथ करीब। और कहरो गज़ब, शदीद पकड़, अजाब, बेइलाही, तो सिर्फ काफिरों के साथ करीब। कुर्बत, तो ये जो कुर्बत की बात हम कर रहे हैं ये सिफाती कुर्बत, और ये हमेशा से हमेशा के लिए, ये नहीं कहेंगे कभी नहीं थी अब है या कभी नहीं होगी, नहीं, हमेशा से है, हमेशा। जब आप आलम अरवाह में थे जब भी वो करीब, जब आप पुश्ते पीदर में आए वो करीब, जब आप शिकमे मादर में आए तब भी वो करीब, जब आप आगोशे मादर में पहुंचे जब भी वो करीब, और जब आप इस दुनिया में रहेंगे करीब, आगोशे कब्र में जाएंगे करीब, वहां से उठेंगे करीब, आखिर में पहुंचेंगे करीब, जन्नत या जहन्नम में जहां भी पहुंचेंगे वो करीब। घर के अंदर वाला बाहर का साथी नहीं, और बाहर वाला अंदर का साथी नहीं। घर के बाहर गए तो बाहर वाले बेखबर, और बाहर से अंदर आए तो बाहर वाले बेखबर, घर के बाहर गए तो घर वाले बेखबर। मगर खुदा की शान की शान कुर्ब का ये आलम है, जहां भी जाओ, जहां भी जाओ करीब। अब सिर्फ ये बता दूं कि ये एहसास तुम्हें क्यों दिलाया जा रहा है कि वो करीब है। उसका कुर्ब का तस्वूर अगर अपने दिमाग में जमा लो तो इसका तुम्हारे आमाल व अफाल पर क्या असर पड़ेगा। किरदार साजी के लिए खुदा का कुर्ब और उसकी माइयत का कामिल यकीन क्यों जरूरी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बिल्कुल यकीन सच्चाई के साथ हर वक्त इस बात का लिहाज रखें कि खुदा हमें देख रहा, तो जो घरों में बैठे बैठे फितना बना रहे हैं बनाएंगे, गुनाहों से बचने की आप कोशिश करेंगे ना, और आपको हर वक्त ख्याल आएगा खुदा देख रहा, खुदा देख रहा। तो आप दूसरों को तो फरेब दे सकते हैं जो नहीं देख रहे, मगर खुदा को तो आप धोखा नहीं दे सकते, वो देख रहा। तो जिस वक्त आपके जिन में ये होगा तो आप गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, खुदा देख रहा। याद रखो, मखलूक के खौफ से हम तुम्हें गुनाहों से बचा नहीं सकते, कभी बचा नहीं सकते। एक इंसाफ से बात करो, कोई इंसान कानून के खिलाफ किसी बादशाह की मौजूदगी में कानून के खिलाफ वर्जी करेगा? आपके यहां जो पुलिस आती है उसके सामने तो आप कानून के खिलाफ करते नहीं। आप सोचिए, ये मामूली मामले दुनियावी हाकिम जब सामने आते हैं आप इतना सही नजर आते हैं जैसे गलती आपसे कभी हुई नहीं,
कानून के खिलाफ इतना खौफ इसका है, एक छोटा सा खौफ, वो तुम्हें अपने किरदार को बदलने पर मजबूर कर रहा है कि नहीं? तो अगर यही खौफ तुम्हारे दिल में खुदा का हो जाए, मैं कहता हूं अगर इतना ही खौफ जितना इनका, उसमें पक्के मुसलमान नहीं होते, बल्कि शदीद होगी खुदा का खौफ, कि उससे बढ़कर किसी का खौफ भी ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक मामूली खौफ से आप अपनी जिंदगी को संवारने पर मजबूर होते हैं, तो खुदा का खौफ अगर इतना ही हो जाए, इतना ही हो जाए। मैं खौफ की बात बताता हूं, खौफ अपना काम करा के रहता, खौफ बस मुसल्लत होना चाहिए, खौफ वाकई होना चाहिए, नहीं कि जुबानी। एक मेहमान साहब आए आपके यहां और लंबा चौड़ा सफर करके आए थे, कई रात के बेदार जगे हुए थे, परेशान थे, सोने को जी बहुत चाह रहा था, यहाँ का माहौल भी ठंडा, मामला भी अच्छा, एक रूम में आपने उनका कयाम करा दिया, गद्दा बिछा दिया और आराम से उनको कहा आप सो जाइए, मगर निकलने से पहले आपने कहा इतना ख्याल रखिएगा वो जो सुराख है ना उसमें से कभी कभी सांप निकल आता है। और ये कह के दरवाजा बंद करके आप बाहर चले गए। अब नतीजा ये है कि आंख बोझल है मगर सो नहीं रहा। खौफ कहीं से आठ हुई मालूम सांप निकल आया, अरे उसे आराम करने के लिए वहां रखा गया था, निगरानी के लिए नहीं। रात भर थका मांदा है मगर खौफ दिल पर समाया हुआ है, और दिल ऐसा हाकिम है कि आजा वो जवारे उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दिल के ऊपर ऐसा मामला है, वो ऐसा हाकिम है, और आजा वो जवारे उसकी रायत है, वो अपने हाकिम के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अगर दिल सोने को तैयार ना हो तो आंखें नहीं सो सकती, दिमाग नहीं सो सकता, तुम्हारा हाथ जिस्म कभी सोने के लिए तैयार नहीं होगा। जो दिल की कैफियत होगी यकीनन उसके असरात आजा व जवारे से जाहिर होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि दिल में गुस्सा हो चेहरे पर उसकी तमाशा हो, ये हो ही नहीं सकता दिल में शर्मिंदगी हो चेहरे पर निदामत का आसार ना हो, ये हो ही नहीं सकता दिल के अंदर गम हो चेहरे पर गम का असर ना हो, ये हो ही नहीं सकता दिल में बसरत हो चेहरे पर इंबसात की लहरें ना हो, ये हो ही नहीं सकता दिल में खौफ हो। और एक बात मैं बता दूं, खौफ अपना काम कितना करता है, सांप के आने का शुभा है, यकीन नहीं है, मगर शुभ ने इतना काम किया, सांप के वजूद के शुभ ने इतना काम किया, नींद उड़ गई। अब दुखती हुई नस पर हाथ रखूं, सांप के वजूद का शुभा नींद उड़ गई और खुदा के वजूद का यकीन फिर भी फज्र गायब। अल्लाह, खुदा के वजूद का यकीन फिर भी जुहर असर का ख्याल नहीं, खुदा के वजूद का यकीन फिर भी माँ बाप की नाफरमानी, खुदा के वजूद का यकीन फिर भी बीवियों की हक तलफी, खुदा के वजूद का यकीन फिर भी फराइज़ इस्लामिया से रूगिरदानी। तो मैं पूछता हूं कि सांप के शुभे ने जो काम किया वो भी खुदा का यकीन न कर सका? तो अब ये मान कर चलना चाहिए कि हमारा यकीन अभी वहां तक नहीं पहुंचा जो हमारी नींद उड़ा दे, जो हमारे दिलो दिमाग में हलचल मचा दे। तो खौफ अगर बैठ जाए तो खौफ को तो काम करना ही है। तो ये आयत करीमा तकवे की असल है। और दूसरी बात यह है कि जो इबादत करते हैं उनको ये लज्जत हो कि जिसकी इबादत कर रहे हैं वो देख रहा है।
वो लज्जत ही और है। आप जिसको राजी करना चाहते हैं, जिसके आगे झुके हो, ये तस्वुर वो देगा, क्या कितनी लज्जत मिलेगी। गुनाहों से तौबा आप किसी आलम में भी कर सकते हैं, मगर अगर ये यकीन हो कि जिससे हम तौबा कर रहे हैं वो हमारे करीब है, वो हमें देख रहा है, तो मैं कह नहीं सकता कि इस लफ्ज में तुम्हें कितनी लज्जत मिलेगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना वा इन लम तग़फिर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। कितनी लज्जत मिलेगी कि हम अपने आका से कह रहे हैं, ए अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, हमने ज़ाती की है, अगर तू हमें सहारा नहीं देता तो हम घाटे में रहेंगे, हम खसारे में रहेंगे। तो इस लज्जत को जो मिलती है इसके अंदर, जो एहसानी कैफियत है, तो अगर देखो इबादत में खुशू खुजू कायम करना है तो इस यकीन को जमाना होगा, खुदा देख रहा है। मालूम हुआ ये आयत करीमा खुशू खुजू की भी असल। तीसरी बात, इंसान को कभी घबराहट भी तो होती है ना, डर खौफ, तो डर और खौफ के आलम में अगर ये ख्याल हो मददगार जो है वो करीब है। कितनी हिम्मत आ जाती है, कितनी हिम्मत आ जाती है। अरे भाई, किसी के घर में आया चोर, चोर आया और उस चिल्लाया तो पड़ोसी ने आवाज दी, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। पड़ोसी की आवाज का असर यह हुआ, इसकी हिम्मत बढ़ा गई, चोर घबरा गया। ये तस्वूर, दुश्मन घबरा गया, दोस्त की हिम्मत बढ़ गई। जब बंदे की आवाज में ये ताकत है कि बहादुर बना दे, शुजा बना दे, हिम्मत वाला बना दे, अब तो कादरे मुतलक कह रहा मैं साथ हूं। तो मालूम हुआ शुजात व बहादुरी, सब्र व इस्तकामत की भी असल यही आयत। इसको सुनो, हमेशा जो अल्लाह वाले थे इस मायत का लुत्फ उठाते रहे, जहां घबराहट का मौका आया ये ख्याल उनकी तस्कीन का सब बन गया, उनकी इस्तकामत का, सब्र का, कि अल्लाह हमारे साथ। वो कैसा वक्त रहा होगा जब एक बूढ़े बाप ने अपनी जोजा और एक छोटे से बच्चे को हिजाज के वादियों में लाके छोड़ दिया। बजाहिर देखो तो कोई सामान नहीं, हजरत हाजरा है और उनका नूरे नजर है। छोड़ के जब जाने लगे तो पूछा, आप कहां जा रहे हैं, आप हमें छोड़कर किसके सहारे जा रहे हैं, यहां किसके सहारे जा रहे हैं। इशारा कर दिया, मैं जा रहा हूं मगर असल बचाने वाला साथ है। पूछा, ये क्या उसी का हुक्म है, कहा ये उसी का हुक्म है। बात तो मुख्तसर, मगर ये तस्वूर कि खुदा हमारे साथ है, उसने हजरत हाजरा को कितना बहादुर बना दिया, कितनी शुजात आ गई, कितना सब्र पैदा हुआ, कितना इस्तकामत पैदा हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि जब वो साथ है तो हमें जाया नहीं करेगा, जब वो साथ है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो देखा आपने, मायत के यकीन ने उन्हें सुकून दिया और मायत का ये फैजान हुआ कि सारे आलम का मरकज हो गया, मक्का मुकर्रमा है, सारे आलम की कसर उधर झुक रहा है। जरा साहब देखो, इबादत कर रहे हो खुदा का
और सर झुका रहे हैं उधर, ये माइयत का फैजान तो देखो और आगे चलो देखो। हजरत मूसा, हजरत हारून को हुक्म हुआ जाओ फिरौन के पास, मेरा पैगाम सुनाओ। उन्होंने अपना मारूजा पेश किया। देखो ये ना समझो कि अंबिया कैसे डर गए, उन्हें किसी मखलूक का खौफ कहां, ये तो औलिया की शान है, लाखा गुना नहीं वाला अंबिया करूं, और यहां अंबिया कहते हैं इन्ना नखाफ अन यफरुता अलैना औ अन यतगा, हमें इस बात का खौफ है कहीं हम पर ज्यादती ना करें, कहीं वो सरकशी ना करें। तो इत्मीनान है, ला तखाफा इन्नी माकुमा अस्मावान, ना डरो मैं तुम्हारे साथ साथ। मैं बता रहा हूं कि इंसान का खौफ होना एक है वो खौफ जिसको खौफ मजर्रत कहते हैं, खौफ मजर्रत अजियत पहुंचाने वाला खौफ, सांप से डर जाना, बिच्छू से डर जाना, तो ये खौफ मजर्रत है और ये इंसानियत का तकाजा है। ये खौफ किसी भी इंसान को हो सकता, मगर वो खौफ जो एक बंदे को माबूद से होना चाहिए वो किसी गैर से नहीं हो सकता। तो साथ की बात की, बेधड़क पहुंच गए, दो गए और एक जाबिर उस जालिम बादशाह से टकरा गए, वही माइयत का यकीन, खुदा हमारे साथ, सारी बहादुरी आ गई, शुजात आ गई। और ये दूसरा मौका वो भी था जब फिरौन के लश्कर ने पीछा किया था, वाकया निगारी मकसूद नहीं इशारा, इसलिए मशहूर वाकया था। और हस्ते मूसा के साथियों ने समझा, अब लिया अब लिया अब लिया, खौफ तारी हुई। हस्ते मूसा ने क्या कहा, कल्ला इन्ना माई रब्बी, खौफ करने की जरूरत है, खबरदार हो जाओ मेरे साथ मेरा रब है। देखिए माइयत का एहसास, जहां हुस्न मलाल हुआ माइयत के तस्वुर ने सुकून दे दिया, जहां खौफ तारी हुआ माइयत ने सहारा दिया। और वो आखिरी वाकया इशारा कर दूं कि जब गारे शौर में हमारे नबी पहुंचे और हजते सिद्दीक अकबर को हुस्न तारी हुआ, घबराहट तारी हुई, ये भी मैं वाजे कर दूं कि सिद्दीक अकबर को अपना गम नहीं था, अपने महबूब की तरफ से हुजूर था, अपने महबूब की तरफ से हुजूर था, उन्हें अपनी परवाह नहीं थी, महबूब की परवाह थी। मगर महबूब ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना, अरे घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो सुनो, ये रसूल ये नहीं कहा इन्नल्लाह मई, ये नहीं कहा कि अल्लाह सिर्फ मेरे साथ है, नहीं हम दोनों के साथ है, इन्नल्लाह मैना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो ये कोई इस वक्त की बात नहीं है, और यहाँ माइयत से वही माइयत खास मुराद है। और ये नबी कह रहे हैं, कुरान कहला रहा है, ये महबूब कह दो इन्नल्लाह माना हमारे साथ है। तो जहाँ जहाँ रसूल वहाँ वहाँ खुदा, जहाँ जहाँ सिद्दीक वहाँ वहाँ खुदा। बताऊं, अल्लाह जब इतने करीब है तो दिखता क्यों नहीं,
सूफिया ने अच्छी बात कही कि गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब बनता है, जो ज्यादा बहुत करीब होती वो नहीं दिखता। इसीलिए मैं पूछा करता हूं, आंख तुम्हारे करीब है कोई कहे अपनी आंख को दूर? कभी देखा? जब तुमने अपनी आंख को आज तक नहीं देखा, अपने को अंधा क्यों नहीं कहते? दूसरों के कहे पर भरोसा करते? और दूसरा भी कहने वाला ऐसा है कि जिस आंख से देख के कह रहा उस आंख को उसने भी नहीं देखा। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमने देखा अपनी आंख को, कहां देखा? कहां? आईने में। बात पक्की, आईना आप सामने किया तो आंख को देखा ना। मगर एक बात बताओ, उस आईने में आपकी आंख चली गई थी? अगर आंख चली गई थी तो किस आंख से देखा? अरे तुम जलवा देखते हो, जलवे वाले को समझते हो। तस्वीर देखते हो, तस्वीर वाले को समझते हो। तो जो जिस्म के करीब हो उसके लिए देखना हो तो वसीले की तलाश। जो जिस्म के करीब हो उसे देखना हो तो वसीले के साथ। तो आंख जिस्म के करीब है, इसको देखना है तो जिस्मानी आईने को सामने करो। और फिर अब जो जान से ज्यादा करीब है उसको देखना है तो आईने मुस्तफा को सामने करो। बताओ, खैर आंख को तो आप किसी बहाने से देख भी लेते हो, कभी रूह को देखा? आईने ही करके सब। मगर मानते कितना बगैर देखे मानते? मैं तो समझता हूं जितना यकीन तुम्हारा अपने जिस्म पर है इतना ही यकीन रूह पर भी। कोई शुबा कोई है ऐसा जो यहां अपने को बेरूह समझता? सभी के पास रूह है ना। अब मैं इस मकाम पर पूछता हूं कि पूरे जिस्म में जो रूह है वो एक है या दो चार? हाथ में कोई और हो, सर में कोई और हो, इस आंख में कोई और हो, कान में कोई और हो, का एक ही है ना? एक रूह है कहां? सर में कि पैर में? दाहिने कि बाएं? का हर जगह एक रूह हर जगह। कोई मुकाम इस जिस्म में उसका है? मुकाम नहीं, मकान में रह के लामकान। न कोई मुकाम, कोई ठिकाना। और लुत्फ की बात हो कि हर जिस्म के हर हिस्से में एक, और अख्तियार इतना पूरे जिस्म पर उसका अख्तियार है कि नहीं? पूरे जिस्म पर उसका उसकी कुदरत है कि नहीं? पूरे जिस्म पर उसकी हुकूमत है कि नहीं? और ये भी देखो, जिस्म के हर हिस्से से काम अलग अलग लेती। जो काम आंख से लेती है वो कान से नहीं लेती, जो काम कान से लिया वो आंख से नहीं लिया। कान से सुन रही है, आंख से देख रही है, जुबान से बोल रही है, दिमाग से सोच रही है। मालूमात जो चीज है उसके अख्तियारात अलग अलग। एक है उसका कोई रंग, उसकी कोई शाख, उसकी कोई सूरत। तो मान लिया ना एक को जो पूरे जिस्म में है मगर कोई जगह नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, जहां चाहे जब चाहे तसर्रुफ करे। मान लिया ना एक को तो जिसमें हर जगह हाजिर नाजिर। मान लिया कि नहीं? जिस्म के हर जगह हाजिर नाजिर, और हर जगह की आलिम, हर जगह का मुतसर्रिफ, हर जगह बाख्तियार, हर जगह मुख्तार।
तो जिस्म की रूह को जब तुमने माना तो अगर कायनात की रूह, कायनात की रूह, कायनात के जर्रे जर्रे में उसकी हकीकत है, वो हर जगह हाजिर नाजिर है, आलिम है, मुख्तार है, कादिर है, मुक्तदिर है। जिस्म की रूह जब निकल जाती है, जिस्म किसी काबिल, पहले तो खुद दौड़ता था ना, अब लोग कांधे पे लेके जाते, निकल गई जिस्म बेकार हो गया, तो जब तक जिस्म काम करे समझ लो जिस्म की रूह बाकी है। जब तक जिस्म काम करे समझ लो जिस्म की रूह बाकी है। जब तक कायनात की गर्दिश होती रहे, सूरज चमकता रहे, चांद चमकता रहे, दरिया बहता रहे, गुलाब खिलते रहे, समझ लो कायनात की रूह मौजूद है। जिस्म की रूह निकल गई तो जिस्म बेकार, और कायनात की जब रूह निकलेगी जमीन का फर्श लपेट लिया जाएगा, आसमान का शामियाना उतार लिया जाएगा, चांद और सूरज के चिराग गुल कर दिए जाएंगे, वो ना होंगे तो कयामत होगी। अच्छा एक बात और बता दें, अपने अंदर की चीज हम खुद तलाश करें तो नहीं मिलती, मिलती है तो इसके लिए दूसरों के पास जाना पड़ता। सारे बीमारों से पूछो, बीमारी उनके अंदर है ना, ये डॉक्टर के पास जाके क्या करूं, तेरे अंदर तुझे पता नहीं। बीमारी तेरे अंदर, और जाता तू डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो बताता उस पर तू यकीन भी करता, फिर जो वो इलाज तजवीज करता है उस पर अमल करते हो। ये नहीं कहते डॉक्टर साहब मेरे अंदर की चीज मैं समझ लूंगा, ये प्राइवेट मामला। अपने अंदर की बीमारी, तुम्हारे जिस्म के अंदर बीमारी हो तुम उसको सही नहीं कर सकते, जिस्मानी डॉक्टरों के पास जाओ। ऐसे ही जब तुम्हारे रूह के अंदर बीमारी हो तुम सही नहीं कर सकते, रूहानी हकीमों के पास जाओ। इसीलिए दोस्तों जिस्मानी डॉक्टर जिस्मानी मर्ज की तशखीस भी करता है, उसका इलाज भी करता है, मगर जब दिल मरीज होता है वो समझ भी नहीं पाता। है कोई ऐसा आला जो दिल के कीना कपट को समझ ले, दिल के बुग्ज़ इनाद को समझ ले, दिल के कुफ्र ईमान को समझ ले? है कोई आला ऐसा? जब इनके पास आला नहीं तो इलाज कहां से करेंगे? जब ये मर्द ही नहीं समझ पा रहे हैं तो इलाज कहां से करेंगे? अगर तुम इसका इलाज कराना चाहते हो तो सिर्फ एक ही आस्ताना है, मदीना शरीफ, गुंबद तकरा, वो यो जक्की ही, ये मेरा रसूल है जो दिल को सुथरा करता है। दिल को सुथरा वही कर सकता है जो दिल की गंदगी को भी देख रहा हो, दिल की नजासत को भी देख रहा हो। जो देखे ही ना वो सुथरा क्या करेगा, सुथरा क्या करेगा? तो यहां जरूरत है दस्ते रसूल की। अगर दिल को साफ करना है दस्ते अरबी, कपड़ा साफ करते हो, कपड़ा साफ करते हो किससे? पानी से और साबुन से। तो साबुन का काम भी साफ करना, पानी का काम साफ करना, कल तजर्बा करो, भिगा दो साबुन और कपड़ा डाल दो, सुबह से शाम तक देखो साफ होता। पानी का काम भी साफ करना, साबुन का भी काम साफ करना, सुबह से शाम तक वैसे ही वैसा और मैला हो गया, रंगत और बिगड़ गई। कहा सिर्फ साबुन और पानी से नहीं, रगड़ने वाला हाथ भी चाहिए, उछलने वाली मशीन भी चाहिए। तो सिर्फ याद रखो कुरान का भी काम पाक करना है, हदीस का भी काम पाक करना है, मगर इसी से बाकी नहीं मिलेगी। सफाई के लिए दस्ते रसूल भी चाहिए, सफाई के लिए दस्ते रसूल।
भी चाहिए, अल्लाह के रसूल का हाथ चाहिए, वो साफ करना चाहेंगे। और दस्ते रसूल ये मत समझना मदीने ही में है, रसूल का हाथ तो फैला हुआ, रसूल का हाथ फैला हुआ, ये गौसे जिलानी भी उन्हीं का हाथ है, ये ख्वाजे अजमेरी उन्हीं का हाथ है, ये आकाए नक्शबान उन्हीं का हाथ है, ये सारे सिलसिले उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का हाथ है। कहीं भी चले जाओ अपने दिल को उनके हवाले करो, मगर हवाले करने वाले भी अजीब अजीब समझा। पीर के हवाले दिल तो कर देते आसानी से जुबानी तौर पर कि मेरा दिल तो पीर के हवाले, कि मतलब क्या पीर मेरी माने, मैं नहीं मानता ऐसा हवाला, मेरी मानेगा तब तो पीर, वरना जाओ तुम रास्ता लो, अपना रास्ता लो। तो समझ नहीं आता कि ये पीर है कि वो पीर। हाँ तो अपना मर्ज आप खुद नहीं समझ सकते, मर के मर्ज तो छोड़िए, अपने अंदर की सिफात की भी मार्फत तुम्हें खुद नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे सिफात हैं जिसको कहते हैं शुजात, बहादुरी। किसी को आपको क्या मालूम कि आप कितने बहादुर हो, बहादुरी आपके अंदर है मगर उसका मेयार क्या है वो आप समझ नहीं पा रहे। सब्र तहम्मुल, कुव्वत बर्दाश्त, ये आपके अंदर ही है मगर इसकी मार्फत आपको नहीं हो रही। मार्फत कब होगी, सिफात का सबूत तो है जहूर नहीं हो रहा, जहूर के लिए कुछ और चाहिए। एक पहलवान आया जब मुकाबले में, तो पता नहीं था कि ये जीतेगा कि वो जीतेगा, दोनों को नहीं मालूम। एक ने जब उसको जेर कर दिया पता चल गया ये बहादुर, तो ऐसा नहीं कि बहादुरी अभी पैदा हुई, बहादुरी पहले से थी जाहिर अब हुई। ऐसे ही कोई साहब मौलाना अय्यूब साहब को देखा कि कोई यहां का एक बेवकूफ इंसान उनको गालियां दे रहा है, उन्हीं के सामने बुरा भला कह रहा, बुरा भला कह रहा, वो खामोश है और खामोशी नहीं मुस्कुरा भी रहे, वो तो चला गया। हमने समझा बड़ी कुव्वत है बर्दाश्त, बड़ी सब्र की ताकत है, बड़ा तहम्मुल है मौलाना में। तो क्या तहम्मुल अभी पैदा हुआ, पहले से था जाहिर हुआ। तो कभी कभी दुश्मनों को सामने इसलिए लाया जाता है ताकि अपना हुनर जाहिर हो। अब तेजी से मैं और आपको आगे ले चलो। एतराज करने वाले बड़े भोंडे एतराज कर देते, अल्लाह हमारे साथ है, जहां जहां मैं चलूं वहां साथ, हर जगह साथ है ना, तो जहां चलूं वहां। तो हम तो कभी कभी नजासत से भी गुजरते हैं और टॉयलेट पे जाने का तो रूस का मामूल। तो क्या गंदगियों में भी वो रहता, ये उसकी शान के खिलाफ बात मालूम होती। कहा नहीं जनाब आप नहीं समझ रहे हैं, हम जिस साथ की बात कर रहे हैं वो इल्म और कुदरत का साथ। हम जिस साथ की बात कर रहे हैं, और याद रखो नूर को कोई चीज गंदा नहीं कर सकती। नूर की खासियत है ये, आपका आंख का नूर अगर किसी नजासत में पड़े तभी तो देखोगे ना। तो क्या नूर गंदा हो गया, क्या आंखों का गुस्ल वाजिब। और मैं आपको बताऊं सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, उलमा से पूछो कोई चीज नजर कैसे आती, कोई चीज नजर कैसे आती है। नजर इस तरह से आती है कि आपके आंखों का नूर निकलता, उस पर जाकर के चश्मा होता, फिर वहां से उसकी तस्वीर चलती और आके आपके दिमाग में आके चश्मा होती,
फिर आपका जहन उसे इदराक कर। इसी का नाम इल्म। इल्म की बहुत सारी किस्में लोगों ने की हैं, मगर इस पर इत्तेफाक कि सूरत जो हासिल होती है वो सूरत जब जहन में जाती है, तो अब बताइए आपने एक नजिस चीज देखी तो आपका नूर गया उस पर चिपका, उसकी सूरत आई आपके जहन में, तो क्या जहन नापाक हो गया? अगर सूरत ना आए तो आप देखें ना, अगर खराब चीज को देखने से जहन नापाक होता हो तो आंख पर पट्टी ही बांध करके चलना पड़े। क्या मामला है? नजिस चीज की तस्वीर सूरत इतनी लतीफ होती है कि वो ना खुद गंदी होती है ना किसी को गंदा करती है। तो दोस्तों जब नजिस चीज की सूरत में इतनी लताफत है तो नूर समावात व अर्द की लताफत। सूरज की रोशनी हर जगह पड़ती है मगर किरण कभी नापाक नहीं होती। चांद की चांदनी हर जगह पड़ती है मगर चांदनी कभी नापाक नहीं होती। मालूम हुआ कि नूर तो पाक ही होता है, नूर कभी नापाक नहीं होता। नूर पाक ही होता है, नूर कभी नापाक नहीं होता। जहां चाहे हो, तो ये ख्याल भी गलत है कि अगर किसी नामुनासिब जगह पर नूर पड़े तो वो उसकी शान के खिलाफ। बल्कि देखा तो ये गया है कि नजिस जमीन पर सूरज की शुआ पड़े तो शुआ क्या नापाक होगी, जमीन पाक हो जाती। वो नापाक नहीं होता, नापाकी को दूर करता। आप ख्याल करते चले जाए। अच्छा कुछ लोग ही सर, अच्छा खुदा करीब है तो आप वो क्यों करते हैं, उसको इशारा करते हैं। वो कभी ये कहते हैं, कभी तू कहते हैं, कभी तू कहते हो, कभी वो कहते हैं। तो सुनो भाई, किस्सा ये है कि खुदा करीब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर हम बहुत दूर हैं। जब अपनी दूरी का ख्याल करते हैं तो वो कर लेते हैं, उसकी कुर्बत का ख्याल करते हैं तो तू कर ले। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब वो करीब है तो ये अल्लाह अल्लाह का जिक्र जो चिल्ला चिल्ला के करते हैं सूफिया, ऐसा क्या तरीका? अरे वो तो सुनता ही है ना, ये जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे? तो याद रखना कि जो सूफिया जिक्र करते हैं उसकी मसलहत और है। वो जिक्र खुदा को सुनाने के लिए नहीं करते, दरो दीवार को गवाह बनाने के, अपने दिल को बेदार रखने के लिए, शैतानों को भगाने के लिए। कभी कभी कोई जिक्र ऐसा होता है जिसका मकसद शैतानों को भगाना होता। क्या बात है। अजान होती है तो खुदा को सुनाने के लिए नहीं, जहर से जो किरत होती है खुदा को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि ये बंदों को सुनाने के लिए, उनको बुलाने के लिए। इसमें ये मसले हैं। ये इस आयत करीमा का वो पहलू है जो हमद इलाही, मगर एक दूसरा पहलू ये है कि रब तबारक व तआला के सिफात के मजहर कामिल है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसी बात को अपने अंदाज में कहा है, बिदा की वे मी बीनत वो मी शनवत कला में तुरा, जरा की वे अलैहिस्सलाम मुतसिफ बसिफात इलाहिया वो अकी वो यकी सिफात इलाही इनस अना जलीस मन जकरनी। नबी जो है अपने सिफात खुदा की सिफात का मजहर
खुदा की जात की तजल्ली आईने मुस्तफा पे बिला तमसील ऐसे ही नजर आती है जैसे आफताब आईने में। और याद रखो, खुदा अपनी जिस सिफत की मार्फत कराना चाहता है उस सिफत का नुजूल फरमाता और अपने खास बंदों को उसका मजहर बनाता है। अगर खुदा अपनी किसी सिफत का को नुजूल ना करे, किसी बंदे को उसका मजहर ना बनाए, तो वो सिफत हमेशा पर्दे खिफा में रहेगी, उसकी मार्फत नामुमकिन। तो खुदा अपनी जितनी पहचान कराना चाहता है, जिन जिन लफ्जों के साथ पहचान कराना चाहता है, तो उस सिफत का नुजूल बंदे पे करता है ताकि उससे उसे देखो फिर खुदा को पहचानो। अगर तो खुदा अपने को मौजूद बताना चाहता है तो जरूरी हुई कायनात को मौजूद करे। अगर कायनात मौजूद नहीं तो उसके वजूद की मार्फत कैसे। खुदा अगर ये चाहता है कि लोग समझे वो आलिम है तो अपने इल्म की सिफत का मजहर किसी को बताए। अगर वो ये समझाना चाहता है कि वो मुख्तार है तो अपने इख्तियार की सिफत। एक सिफत हमारे पास है जिसको हम इल्म कहते हैं, एक सिफत हमारे पास है जिसे हम कुदरत कहते हैं। अगर ये सिफत हमारे अंदर ना होती कुदरत, तो हम कुदरत का लफ्ज जानते। जब हम अपने को कादिर ना मानते तो कादिर का लफ्ज कभी कान में आता, और जब ये ना आता तो खुदा को कभी कादिर कहते। तो खुदा ने हमें अपने सिफात का मजहर इसलिए बनाया है कि हम इसे देखें और खुदा की सिफात की मार्फत हासिल करें। तो दोस्तों, ये तो हमारी नाकिस मजहरियत है, मगर मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुदा के जातो सिफात का मजहर कामिल है। जातो सिफात का मजहर कामिल है। अरे दोस्तों, जातो सिफात का मजहर होने में फर्क बता दूं। सूरज निकला, उसकी रोशनी दीवार पर पड़ी, दीवार की धूप से आपने समझ लिया सूरज निकल आया, दीवार की गर्मी से आपने समझ लिया सूरज गर्म, मगर दीवार में सूरज नहीं दिखा। और वहीं आईना रख दो तो रोशनी भी है, हरारत भी है और खुद सूरज भी है। ऊपर वाला सूरज नहीं उतरा है, ये जलवे उतरे, मगर जलवे इस रंग के हैं कि इसे देखो तो उसे देख लिया, इसे समझो तो उसे समझ लिया। इसीलिए देखो, जो सिफात के मजहर थे अंबियाए कराम, उनको देखने वाले ने देखा तो क्या कहा, ये एक बुजुर्ग फरिश्ता है। फरिश्ता नजर आया, खुदा नजर नहीं आया, ये बुजुर्ग फरिश्ता है, मगर महबूब को देखने वालों ने देखा कहा मरानी फकत राल है, मरानी फकत राल है। जिसने महबूब को देखा उसने हक देख लिया। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, मैंने मदीने की गलियों में हक को चलते फिरते देखा। ये नहीं कहा फरिश्ता चलते फिरते देखा, हक को चलते फिरते देखा। ये मजहर जात की शान होती है। तो मजहरियत की शान ये है। तो खुदा ने कहा ना जुलीस मंजकरनी, जो जो मुझे याद करता मैं इसका हम नशी हूं। तो जब इस सिफत की तजल्ली महबूब पर पड़ी, जब इस माइयत की तजल्ली महबूब पर पड़ी, तो जहां महबूब का जिक्र होगा वहां वो करीब है, वहां वो करीब है। और दोस्तों, ये तस्वूर कि हमारा आका हमारे करीब है, हमारा आका हमारा करीब है, हमारा मुश्किल कुशा हमारे करीब है, हमारा हाजत रवा हमारा करीब है, हमारा शाफे हमारे करीब है, हमारे दुख दर्द में काम आने वाला हमारा करीब है, ये तस्वूर अगर आ जाए जहन के अंदर, दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए, आपको कोई परवाह नहीं। याद रखो, इस कुर्बत का फैज, हजरत अली का वो वाकया तो बार बार सुना आपने, फतेह खैबर वाले बार बार। और क्या बहादुरी का आलम था कि बाएं हाथ में खैबर का दरवाजा एक झटकी में उठा लिया, जिसको 40 जवान सिर्फ खोलते बंद करते थे।
अब वो ऐसा हिला जैसे सिपर। ताकत देखिए, मैं सोच में पड़ गया इस ताकत का राज क्या। इसलिए कि हजरत अली जिस लश्कर को साथ लेकर गए थे यही लश्कर पहले भी आ चुका है।